आपने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ चार पांच लोग हैं वहां जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे, तो ये सारी बातें लिखेंगे अब उसमें। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोले बिना तेजस्वी यादव जी की राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि राजनीतिक रोजगार तो तेजस्वी जी को नीतीश जी से ही मिला है, यह सारा बिहार जानता है। किताब लिखने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं खुद लिखेंगे या किसी से लिखवाएंगे, और किताब में उन तथ्यों का उल्लेख होगा या नहीं जो बातें सत्य है, किस तरह भ्रष्टाचार की नींव पर उनकी पार्टी खड़ी है, अपराधियों के बोलबाले वाली पार्टी में क्या कुछ हुआ है, जो भी काले कारनामे हैं, जो भी राजनीतिक कुकृत्य हैं, उनका जिक्र तेजस्वी यादव जी किस तरह से करेंगे। हमें लगता है कि जब किताब लिखेंगे तो काले अक्षरों से लिखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास, इनके पूरे राजनीतिक जीवन का जो इतिहास है, वो काले अक्षरों में ही सुशोभित होगा। तेजस्वी जी कुछ भी बोलते रहें, हमारे नेता की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव जी, आपको पता होनी चाहिए कि देश में भ्रष्टाचारियों की दुकान अब बंद होने वाली है, शटर गिरने वाला है, और परिवारवादियों की दुकान तो लगभग बंद हो चुकी है, बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। भ्रष्टाचारी चाहे जितना भी जोर लगा ले, देश की जनता ने मन बना लिया है। इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार, देश भर में जो प्रथम चरण के चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि विरोधी पस्त हो गए हैं, विरोधियों की बोलती बंद होने वाली है। देश की जनता ने तय कर दिया है कि हमारा प्रधान सेवक जो देश को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने की बात करता है, वही हमारा प्रधान सेवक रहेगा। प्रधान सेवक में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। देश के प्रधान सेवक ने विश्व भर में भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, या आर्थिक पावर हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, या सामरिक पावर हो, हर क्षेत्र में भारत उन्नति की ओर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया टकटकी लगाए हुए बैठा है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को पूरे संसार में जितनी समस्या आती है, सबके समाधान करता नरेंद्र मोदी बन गए हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी, मुगालते में न रहिए, सपने देखना बंद कर दीजिए। बिहार की जनता ने तय कर लिया, 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी की झोली में देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।